एम्पायर मैगजीन ने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की एक न्यू स्टिल इमेज अपलोड की है, जिसमें हमारे सामने फर्स्ट लुक है एट्रोसेप्टर का। इस इमेज में ओवेन अपनी बाइक पर है और वो माल्टा में है। उसके ठीक पीछे एक एट्रोसेप्टर पीछा कर रहा है। तो इतने दिनों से हमारा शक सही था कि इस सीन में एट्रोसेप्टर ही ओवेन का पीछा कर रहा है। ये एट्रोसेप्टर ये वाला है जिसका नाम घोस्ट है। इस इमेज के साथ डायरेक्टर कॉलिन ट्रेवरो का एक इंटरव्यू भी था, जहां उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि सच में ये एट्रोसेप्टर्स ही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि पायरोरैप्टर्स मूवी में है। मोरस इंटरप्रेटर्स के भी कुछ कमाल के सीन्स होंगे मूवी में। ये एट्रोसेप्टर मूवी में बहुत खूंखार होने वाले हैं। कॉलिन के अनुसार शिकार की सेंट एक बार लेने के बाद वे उसे मार कर ही छोड़ते हैं। इसी वजह से इस बिहाइंड द सीन में एट्रोसेप्टर सिर्फ ओवन के पीछे है और आसपास के लोगों को कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसने ओवन की सेंट ले ली है और अब वो उसे मार कर ही छोड़ेगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सीन को देखने के लिए। साथ ही साथ मैं एट्रोसेप्टर्स के दूसरे सीन्स के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि एट्रोसेप्टर्स के उस तरह के टेरिफाइंग सीन्स ज़रूर होंगे जैसे जुरासिक पार्क के वेलोसेप्टर्स के होते थे। 23 दिसंबर को एम्पायर मैगजीन रिलीज होगी और शायद हमें और न्यू इमेजेस और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। मुझे अपने ओपिनियंस ज़रूर बताइए कि आप एट्रोसेप्टर्स के बारे क्या सोचते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर से गॉडज़िला के, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।